लकड़ी पर की गई निकाशी हो या फिर कोई दूसरी हस्तकला, चंबा का नाम हमेशा याद किया जाता है। हाल ही में चंबा रुमाल की बेहतरीन कढ़ाई को लेकर ललिता वकील को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नीरज नैयर ने ललिता वकील को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ललिता वकील से अनुरोध रहेगा कि अपनी इस प्रतिभा को अन्य बच्चों को भी सिखाएं, ताकि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े और वह अपनी इस धरोहर को और भी आगे लेकर जाए। मैं तहे दिल से सबका, जिन्होंने भी मेरे मुझे इतना प्यार दिया और मेरे लिए इतना, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे को इतना मतलब आगे तक यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनका सबका, सभी अपने देशवासियों का, सभी अपने देशवासियों का तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी लोगों का मेरा योगदान रहा है। जैसे चंबा रुमाल जो एक था अपना, मतलब टेक्निक जो थी वो तो हम मैंने करी ही करी, इसको जिंदा रखा ही रखा इसको, थोड़ा मैंने इसको रिवाइव भी किया। और जो सोशल मीडिया, जो गरीब बच्चे थे या लेडीज़ थी जो, उनको मैं फ्री में आज भी दे रही हूँ ट्रेनिंग, फ्री में देती हूँ उनको, सारा सिखाती हूँ, ताकि ये जो एक, ये हमारी एक इतनी मतलब पुरानी कला है, वो जिंदा रहे और आगे तक पहुँचे, वर्ल्ड में सारा इसका नाम हमारा इसका हो। दूसरा ये है कि इसके साथ देखो, बच्चों को जो अनपढ़ हैं, जो आगे पढ़ नहीं पाती हैं, जॉब नहीं कर पाती हैं, वो घर बैठे ही इस काम को अगर सीखें और थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो आगे भी बहुत कुछ कर सकती हैं, मुझ तक भी पहुंच सकती हैं। देखो, मैंने जो इतनी मेहनत करी है, इतना जो मैंने ये काम किया है, ये सब ये अपने चंबा वासियों के लिए, क्योंकि ये जो कला है ये हमारे चंबा में ही होती है, दूसरी जगह पर नहीं होती है। तो ये मैं ये चाहती हूँ कि आज भी बच्चे आएँ, औरतें आएँ जो घर में बेकार बैठी हैं, वो इस काम को सीखें और आगे भी अपने बच्चों को सिखाएं, जैसे मैंने इसको आज यहाँ तक पहुँचाया है, इससे आगे लेके जाएं इसको और सारे दुनिया में फैलाएं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं जो यहाँ तक पहुँची तो इसमें देखिए देव बड़ोत्रा जी का बहुत बड़ा हाथ था मेरे मुझे पहुँचाने में। मैंने ये पुराना रखा, जो मैंने नई तकनीक अपनाई थी वो उनके साथ बैठ के मैंने, जैसे डिसाइड करते थे, जैसे पैनल पेंटिंग, वो हम लोग घंटों बैठ कर डिस्कस करते थे, सारा हफ्ता हफ्ता भर बैठ के सारी डिसाइड करके फिर उस चीज़ को हम लोग बनाते थे। तो वो जो उभर कर चीज़ आई सामने, उसकी कलर स्कीम, उसकी एम्ब्रॉयडरी, उसकी सुंदरता सारी, तो तभी जाकर मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं तो कोशिश बहुत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, जो भी गवर्नमेंट डालती है काफ़ी कुछ, शुरू से देखो नेहरू रोजगार योजना चली हुई थी तो उस वक्त भी हम लोग बच्चों को, लेडीज़ को ले आते थे 20-25 रुपये। देखो 50 साल पूरे किए मैंने चंबा, ऐसे चंबा रुमाल के लिए 50 साल, जैसे हिमाचल ने पूरे, मैंने भी 50 साल पूरे किए। तो आप उस वक्त सोचिए, उस वक्त ऐसा था कि कितना, देखो 15-20 रुपये पर डिप्टी कमिश्नर से या जीएम साहब से बोल के, मैं जैसे 15-20 बच्चे या 30 बच्चे होते थे तो उनको मतलब जैसे 6 महीने की, 1 साल की, 3 महीने की ट्रेनिंग साल दर साल चलती रहती थी, देखती रहती थी सबको, और उनको वो स्पॉन्सर करवाती थी। तो उस टाइम पे 20-25 रुपये पर मंथ के बड़े होते थे। देखिए उसमें, देखिए 5 रुपये किलो ना वो घी मिलता था देसी, 240 रुपये किलो सोना, ना 240 रुपये का 10 ग्राम तोला सोना मिलता था। तो भाई उस वक्त की बात है, तो उस वक्त तो इतना नहीं होता था, पर आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, प्रोत्साहन कर रही है, सबको कर रही है। पर मैं तो ये चाहूँगी कि सब बच्चों को चाहिए या लेडीज़ को चाहिए कि इसको सीखें, इस कला को आगे बढ़ाएं और यहाँ इसको मतलब मरने मत दें, आगे बढ़ाएं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे से भी आगे जाएं, मेरे से भी आगे जाकर ये लोग अपना प्रयास करें और आगे तक पहुँचें। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदरणीय पद्मश्री ललिता वकील जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं आशा करूँगा जो उन्होंने हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो उन्होंने एक इज्जत बख्शी है, उनको पद्मश्री मिला है, जो एक बहुत ही उच्च श्रेणी का अवार्ड है। उन्होंने हमारा, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम, हमारे शहर का नाम, हमारे प्रदेश का नाम जो है रोशन किया है। तो इस उपलक्ष में जो है आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनको आज यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। और साथ ही मैं आशा करूँगा
कि आप जो हैं आने वाले सालों के अंदर जो और भी यहाँ प्रतिभा हमारे चंबा के इलाके के अंदर, चंबा कढ़ाई और जो चंबा रुमाल के अंदर जो बच्चे इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं आपके थ्रू, मैं आशा करता हूँ कि आपका जो टैलेंट है वो इन बच्चों को भी जो है आगे पास ऑन करेंगे और उनको प्रोत्साहित जो है करेंगे, क्योंकि आने वाला जो वक्त है इसके अंदर जो शिल्पकारी है और जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे आर्ट है उसके अंदर रुचि लेके भी जो है आदमी जो है बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर के देशों के अंदर देखो तो जो उनकी लोकल ट्रेडिशनल जो कलाकारी थी उन्होंने उसको वर्ल्ड लेवल तक पहुँचाया है, तो ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का दायित्व बनता है कि ऐसे जो लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, इन लोगों को जो है जैसे आज इनको पद्मश्री मिला है तो हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है। ये हम बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज इनको ये अवार्ड मिला है। हमारे इलाके से हैं, हमारे प्रदेश से हैं, वैसे ही हम चाहेंगे कि इनकी छत्र छाया में जो बच्चे जो हैं आगे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी आगे बढ़ें और एक जो इनका जो टैलेंट है वो सेफ हाथों के अंदर जो है पास ऑन करें, ताकि ये जो चंबा रुमाल की जो ट्रेडिशन है ये सदैव जो है आगे जो है चलती रहे। मैं ऐसी आशा करता हूँ इनसे। और एक बार फिर आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी जो है ये कार्य जो है आप इसको बढ़ाते रहेंगे और जो भी बच्चे आपके अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं वो इसको सीख के आप के लेवल तक हम आशा करेंगे। वैसे तो वो उनकी अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप उनको प्रोत्साहित करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर और भी जो बच्चे हैं आपके लेवल तक पहुँच पाएंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।